चलिए, तो आज का जो क्लास हमारा है, आज की क्लास में हम लोग कोफैक्टर मेथड सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम लोग कोफैक्टर सीखने वाले हैं, कोफैक्टर मेथड को सीखने वाले हैं। देखिए, इससे पहले हमारे जितने भी क्लासेज हो चुके हैं, ठीक है, तो इससे पहले हमारे जितने भी क्लास हुए हैं, तो इसके जस्ट पहले वाली क्लास में ना, इसके जस्ट पहले वाली क्लास में हमने विंडो रूल सीखा हुआ था, ठीक है। उससे पहले हमने सारस रूल सीखा हुआ था, ठीक है। उससे पहले हमने एक्सपेंशन रूल सीखा हुआ था। मतलब ये सब सारे मेथड्स हैं, इनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट जो है वो इजिली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे मेथड्स हैं, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर मेथड के बारे में बात करेंगे। तो कोफैक्टर सबसे पहले यहाँ पे नाम से यहाँ पे क्लियर है, सबसे पहले हमको ये समझना होगा कोफैक्टर का मतलब क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हमको समझना होगा कोफैक्टर का मतलब क्या होता है एंड कोफैक्टर कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहला हमारा यही टारगेट होगा यहाँ पे कि कोफैक्टर जो है, कोफैक्टर का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हमने कोफैक्टर सीखना है, ठीक है। चलिए, तो कोफैक्टर कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, हमने सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अपने से एक मैट्रिक्स सबसे पहले ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपने से कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने क्या करा, एक मैट्रिक्स, सिंपल सा मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। हमने क्या करा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, ठीक है। हमने क्या करा, एक सिंपल सा स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है, ठीक है। क्योंकि हमने सबसे पहले इस क्या सीखना होगा, कोफैक्टर मेथड से पहले हमने समझना होगा कोफैक्टर, कोफैक्टर का मतलब क्या होता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग कोफैक्टर के बारे में बात करेंगे। तो हमने क्या करा, एक मैट्रिक्स, रैंडम से कोई मैट्रिक्स ले लिया, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स लिया हमने, ठीक है। और इस स्क्वायर मैट्रिक्स और इसका जो ऑर्डर वो 3/3 का है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने माइनर कैलकुलेट करना होगा इसका, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करना होगा, माइनर। अच्छा, और माइनर हम लोग जानते हैं माइनर क्या होता है, ठीक है। माइनर क्या होता है, तो माइनर का मतलब सिंपल सी होता है डेट, ठीक है। डेट ऑफ सब मैट्रिक्स, डेट ऑफ सब मैट्रिक्स, जो सब मैट्रिक्स होता है तो उसका जो डेट हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं माइनर, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर। तो हमने क्या करना है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड माइनर, माइनर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये हमको पता कि A11 होता है, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। अच्छा, हमको रूल कुछ पता है, बेसिक रूल्स हमको नॉलेज है कि अगर हम जिसकी बात करेंगे उसके उस रो को, उस कॉलम को हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। उसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, यानी उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड M11, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड M12, देन वी हैव टू फाइंड M13, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड M11, तो M11 हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये जो रो है और ये कॉलम पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास क्या बचेगा, 5 6 8 9, यानी वी हैव 5 6 8 9 बचेगा, ठीक है। अच्छा, वी हैव टू फाइंड M12, यानी हम लोग 2 की बात कर रहे हैं, तो ये रो और ये कॉलम जो है पूरा कैंसिल हो जाएगा। देन वी हैव 4 7 6 9, यानी हमको जो है 4 7 6 9, हमको जो यहाँ पे मिल रहा है वो हमको एक सब मैट्रिक्स मिल रहा है, ठीक है। और हमने इसका मॉड निकालना है, तो इसका जो मॉड होता है वही माइनर होता है, यानी माइनर का सिंपल सा डेफिनेशन यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। माइनर का सिंपल सा डेफिनेशन होता है डेट, डेट ऑफ सब मैट्रिक्स, ठीक है। डेट ऑफ सब मैट्रिक्स, और सब मैट्रिक्स क्या होता है, तो कोई भी रो या कोई भी कॉलम को एलिमिनेट करके, रो या कॉलम को एलिमिनेट करके जो हमको मैट्रिक्स मिलता है उसको हम बोलते हैं सब मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए, हम वी हैव टू फाइंड M13, यानी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये पूरा कैंसिल, ये कैंसिल। देन वी हैव 4 5 7 8, हमारे पास क्या बचा, 4 5 7 और 8 हमारे पास ये मिल गया हमको, ठीक है। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, ये 45 माइनस आ गया हमारे पास 48, यानी हमारे पास आ गया -3। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ गया 36 माइनस आ गया 42, यानी हमारे पास आ गया -6। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वी हैव 32 -35, वी हैव -3। हमारे पास M11 निकाल लिया हमने, M11 टू कैलकुलेट कर, M13 कैलकुलेट कर लिया। देन वी हैव टू फाइंड M21, हमने M21 कैलकुलेट करना है, फिर हमने M22 कैलकुलेट करना है, फिर हमने M23 को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए, तो M21 की बात करते हैं हम लोग, तो M21 एंड इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये वाला जो पूरा रो है और ये वाला कॉलम हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। देन वी हैव 2 3 8 9, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास है 2 3 8 9, ये जो 2 3 8 9 बस रही है हमारे पास सब मैट्रिक्स है, ठीक है। सब मैट्रिक्स हमको मिल रहा है, इसकी डेट निकालेंगे हम लोग, पता हमको डेट कैसे निकालते हैं इसका, 2 18 माइनस ये हो गया 24, यानी हमारे पास आ गया -6। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड M22, यानी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ये पूरा कैंसिल करेंगे, कैंसिल करेंगे। देन वी हैव 1 3 7, सॉरी, अगर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग अभी M22 की बात कर रहे हैं, हम लोग इसकी बात कर रहे थे, तो ये पूरा कैंसिल और ये पूरा कैंसिल, वी हैव 1 7 3 9, है ना। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1 7 3 और 9, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 9 -21, यानी हमारे पास मिल गया -12, ठीक है। M23 कैलकुलेट कर रहे हैं, हमने इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये पूरा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास क्या बचेगा, 1 4 2 और 8, ठीक है। वी हैव
1 4, ठीक है, हम लोग एम टू थ्री की बात कर रहे हैं, यानी इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, यानी ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, देन वी हैव 1 7 2 और 8, वी हैव 1 7 हमारे पास आएगा और हमको मिलेगा 2 और 8 मिलेगा, ठीक है, 1 7 2 और 8, देखिए फिर से इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये हमने पूरा कैंसिल कर देना है, तो हमारे पास क्या बचा 1 7 2 और 8, इससे पहले हमने M22 की बात करा था, इसकी बात कर रहे थे, तो ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 1 3 7 9, ठीक है, तो 1 3 7 9, इससे पहले हमने M21 की बात करी थी, तो ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, यानी क्या बचा हमारे पास 2 8 3 9, तो हमने 2 8 3 9 लिखा हुआ था, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग क्या करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं, ये हो गया 8 माइनस 14, यानी -6 हमारे पास आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या कैलकुलेट करना, वी हैव टू फाइंड M31, ठीक है, तो M31 यानी इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, यानी हमने इसको एलिमिनेट कर देना, इसको एलिमिनेट कर देना, देन वी हैव 2 3, ठीक है, वी हैव 2 3 5 और 6, हमारे पास क्या बचा, देखिए ये जो हमारे पास था ये हमारा 5 था, ठीक है, ये हमारे पास क्या था 5 था, और ये हमारा था 6, ठीक है, अच्छा, और ये हमारा था 4, ठीक है, 1 2 3 हमने कंसेक्यूटिव नंबर लिया हुआ 1 2 9, वी हैव टू फाइंड M31, यानी इसकी हम लोग बात करिए, पूरा कैंसिल, एक कैंसिल, वी हैव 2 3 5 6, है ना, हमारे पास क्या बचा 2 3 5 और 6, ये हमारे पास बचा, इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो आगे हमारे पास 12 माइनस 15, यानी वी हैव -3, ठीक है। अच्छा, वी हैव टू ऑल्सो फाइंड, ठीक है, M31 हमने कैलकुलेट करा, अब वी हैव टू फाइंड M32, यानी M32 यानी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये पूरा कैंसिल और ये पूरा कैंसिल, वी हैव 1 4 3 6, है ना, हमारे पास क्या बचा 1 4 3 और 6 बचा, ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 6 माइनस 12, यानी हमारे पास आ गया -6, ठीक है। वी हैव टू फाइंड M33, यानी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ये पूरा कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 1 4 2 5, है ना, वी हैव 1 4 2 और 5 हमारे पास बचा, ठीक है। अच्छा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आगे हमारे पास 5 माइनस 8, यानी वी हैव -3, हमको जो मिला, हमको कितना मिल गया -3 मिल गया, तो अभी हमने क्या कैलकुलेट करा, सिंपली हमने माइनर कैलकुलेट करा, ठीक है, और माइनर कैसे, माइनर होता है क्या, यानी सिंपल सी बात है, डेट ऑफ सब मैट्रिक्स, ठीक है, डेट ऑफ सब मैट्रिक्स, और सब मैट्रिक्स कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो सिंपल सी लॉजिक है इसका, कोई भी हमने किसी भी मैट्रिक्स, जो भी आपके पास गिवन मैट्रिक्स है, उसका आपने क्या करना, एक रो, ठीक है, उसका जो आपने एक रो और एक कॉलम को आपने एलिमिनेट कर देना है, और एलिमिनेट करने के बाद जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है, एलिमिनेट करने के बाद जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा, दैट मैट्रिक्स जो होगा उसको बोलेंगे, उस मैट्रिक्स का जो मॉड होगा, ठीक है, उस मैट्रिक्स का जो मॉड होगा या उसका जो डेट होगा उसको हम बोलते हैं माइनर, ठीक है। तो हमने माइनर क्लियर कर लिया, माइनर क्या होता है, नाउ वी हैव टू फोकस ऑन कोफैक्टर, यहाँ पे हमारा मेथड ही है कोफैक्टर, तो हमने सीखना होगा कोफैक्टर क्या होता है, ठीक है, तो कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट करते पहले वो हम समझते हैं, ठीक है, देखते हैं ध्यान से, तो कोफैक्टर के लिए क्या करना होगा, हमने एक रूल सीखना होगा, ठीक है, कोफैक्टर, वी हैव टू फाइंड कोफैक्टर, ठीक है, तो हमने क्या करना होगा, सम कैलकुलेट करना होगा पहले, ठीक है, सम कैलकुलेट करना होगा, किसका सम हमने कैलकुलेट करना होगा, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ आई एंड जे, हमने जो है आई और जे का हमने सम कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, आई और जे का सम कैलकुलेट करना है, अगर ये जो सम आपका है, अगर ये इवन आता है, ठीक है, और ये अगर ये सम आपका ऑड आ जाता है, ठीक है, अगर जो सम आपका है इवन आता है या सम का क्या ऑड आ जाता है, तो अगर आपका इवन आता है तो माइनर का ही जो सेम हमारा माइनर था, माइनर भी माइनर ही रहेगा, लेकिन अगर ऑड आ जाता है तो नेगेटिव ऑफ माइनर हो जाता है, अगर ऑड आता है तो नेगेटिव ऑफ माइनर हो जाता है, बस इसको हमने ध्यान देना, ठीक है, क्या होता है कोफैक्टर, तो कोफैक्टर कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना, आई और जे का सम कैलकुलेट करना होता है, उसके बाद हमने सम देखना होता है कि सम जो हमारा है वो इवन है कि ऑड है, अगर सम हमारा इवन है तो जो माइनर था वही हमारा कोफैक्टर हो जाएगा, लेकिन अगर हमारा सम जो है वो ऑड आता है देन कोफैक्टर जो है आपका वो नेगेटिव ऑफ माइनर हो जाएगा, ठीक है, तो हमने क्या करना है कोफैक्टर कैलकुलेट करना है सबका 1 by 1, ठीक है, यानी C11 कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट C12, C13 कैलकुलेट करना है, यानी ठीक है इसका C11, तो इसको आप ऐड करो 1 और 1 2, 1 और 1 क्या हो गया 2, तो 2 यानी इवन है आपका, तो एज इट इज हो गया, जिससे माइनर के माइनर हो गया, यानी -3, यहाँ पे इसको ऐड करो 1 और 2 3 है, 1 और 2 क्या आपका 3 है, यानी ऑड है, तो ऑड में चेंज हो जाता है, यानी माइनस जो था आपका क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। चलो अब इसको देखो आप, 1 और 3 क्या हो गया 4, यानी इवन आ रहा है आपका, तो इवन है तो -3 के 3 हो गया, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, M21 हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा, वी हैव टू फाइंड C21, वी हैव टू फाइंड C22, वी हैव टू फाइंड C23, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हमारा ऑड है, ठीक है, ऑड है तो -6 तो हो गया +6, ये हमारा इवन है तो -12 था तो -12 ही हो गया, ये हमारा 2 3 5
ये हमारा ऑड है, तो ऑड है तो ये हमारा क्या हो गया, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने अभी क्या करा, M11 सॉरी हमने क्या कैलकुलेट करा, C11 कैलकुलेट कर लिया, C12 कैलकुलेट करा, C13 भी कर लिया, C21 C22 और C23 भी हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये हमको क्या मिल गया, हमारा कोफैक्टर मिल गया। अच्छा अभी हमने तीन बाकी है, तीन एलिमेंट्स की और बाकी है, यानी वी हैव टू फाइंड C31। अब देखो इसको ऐड करो, अब तीन और एक चार, इवन है, इवन है तो वही हो गया सेम एज माइनर, ठीक है। तो हमने क्या ध्यान देना है कि अगर अपने आई और जे का सम चेक करना है, अगर सम इवन है तो सेम एज माइनर, अगर ऑड होगा तो निगेटिव ऑफ माइनर, ये सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अच्छा इसका आप कैलकुलेट करो, ठीक है, इसका हमने कैलकुलेट करना है, तो इसका जो है अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, हमने क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा इसको रब करना होगा हमने, ठीक है, इसको हम थोड़ा रब करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को। तो अभी तो हमने यहाँ से क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, C32, फिर हमने कैलकुलेट करना C33। C32 कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखो इसको ऐड करो आप, 235 है ना, 23 क्या आ गया 5, तो 5 आया यानी ऑड है, तो ये आपको माइनस था, ये हो गया प्लस, ठीक है। ये आप 336 हो गया, यानी इवन है, तो एज इट इज आ गया आपका माइनर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिंपली क्या सीखा, कैसे कैलकुलेट करते हैं माइनर, लेकिन ये जो मेथड था हमारा ये ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है, और ये काफी टाइम टेकिंग मेथड और काफी लॉन्ग मेथड है, ठीक है। अच्छा हमने क्या करा है, मैट्रिक्स इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, ठीक है, शॉर्टकट मेथड मतलब इसको हम लोग शॉर्ट पीरियड में शॉर्ट जल्दी से जल्दी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और वो जो कॉन्सेप्ट है, वो जो ट्रिक है, हमने मैट्रिक्स वाला जो मैट्रिक्स जो चैप्टर था उसमें हमने इस चीज को मेंशन कर दिया है। तो आपने करना क्या, एक बार वो कॉन्सेप्ट आपने चेक कर लेना, अगर वो आप चेक कर लोगे तो आप इजिली कैलकुलेट कर पाओगे कोफैक्टर विद इन 30 सेकेंड्स आप कैलकुलेट कर सकते हो उस रूल से, ठीक है। तो आप एक बार जाके उसको चेक कर लो, आप मैट्रिक्स के प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको, तो एक बार आपको जाकर उसको एक बार चेक कर लो, ठीक है। तो हमने अभी क्या सीखा, ट्रेडिशनल मेथड से कोफैक्टर कैलकुलेट करने को सीखा, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड से हमने क्या सीखा, कोफैक्टर कैलकुलेट करने को सीखा, ठीक है। अच्छा अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे, यानी हमने वी हैव टू कैलकुलेट डेट, वी हैव टू कैलकुलेट डेट, हमने क्या कैलकुलेट करना है, डेट कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखते हैं यहां पे, ठीक है, अब इस रूल को पढ़ते एक बार हम लोग, ठीक है। तो ये रूल क्या बोलता है, ठीक है, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर इज इक्वल टू डेट, इज इक्वल टू डेट, ठीक है। कहने का इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, वी हैव टू फाइंड, हमारा मेन फोकस क्या है, डेट कैलकुलेट करना, ठीक है। हमारा जो मेन टारगेट है वो टारगेट क्या है, डेट कैलकुलेट करना। तो सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, डेट किससे कैलकुलेट करते हैं, अच्छे से हमको पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे लिया है, दैट इज 3x3 का हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, ठीक है। अच्छा वी हैव टू फाइंड इट्स डेट, हमने इसका मॉड कैलकुलेट करना है, यानी वी हैव टू फाइंड मॉड, इसका मॉड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसका कोफैक्टर कैलकुलेट करना है, ठीक है, कोफैक्टर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमने इसका कोफैक्टर, कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने यहाँ पे सीखा, ये काफी लॉन्ग मेथड है, एक बार आप विजिट कर लेना जाके, मैट्रिक्स वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा शॉर्ट, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रिक क्या है सॉल्व करने का, एक बार आप वहां पर चेक कर लोगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, हम लोग यहाँ पे हमारे पास तीन रो है तीन कॉलम है, तो हमने क्या करा, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट, इसका कोफैक्टर कैलकुलेट कर लो आप, ठीक है। और कोफैक्टर कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है, आप जिस मान लो सपोज हम लोग R1 की बात करते हैं, ठीक है, हम लोग किसकी बात करते हैं, R1 की बात करते हैं, तो हमने क्या करना है, इसका जो भी एलिमेंट है, जो मेन आपका मैट्रिक्स है उसका जो एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा आप यहाँ पे सपोज आपने यहाँ पे कोफैक्टर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, यानी C11, C12, C13, C21, C22, C23, ये हो गया C31, ये C32 और ये हो गया C33। यहाँ पे आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, कोफैक्टर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो आपने करना कि आपने डेट निकालना तो कुछ नहीं करना, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इसको मल्टीप्लाई करो और सिंपली ऐड कर दो, देन यू गेट डिटरमिनेंट, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे रूल क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, कोई भी रो या कोई भी कॉलम ले लो, उसके जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसके एलिमेंट जो है उससे कोरस्पॉन्डिंग जो को फैक्टर है उससे आपने मल्टीप्लाई कर लो और मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, देन आपको क्या मिल जाएगा, डेट मिल जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है इसका, देन आपको क्या मिल जाएगा, डेट मिल जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक था हमारा, ठीक है। अच्छे काम करते हैं हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे हमारे पास जो मेन क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, हमारा जो मेन क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था हमारा, हमने कंसेक्यूटिव लिया हुआ था, हमने जो मैट्रिक्स लिया हुआ था ये था हमारा 1 2 3, ये था हमारे पास 4 5 6 7 8 और क्या था हमारे पास 9, ठीक है। ये हमारे हमने एक मैट्रिक्स जो लिया था और उस मैट्रिक्स का हमने यहाँ पे माइनर कैलकुलेट करा और कोफैक्टर कैलकुलेट करा, हमको माइनर से कोई मतलब नहीं है, हमने जो है फोकस करना है किस पर फोकस करना, हमने
ठीक है, हमने कोफैक्टर पर फोकस करना है, ठीक है, हमने जो फोकस करना है वो कोफैक्टर पर फोकस करना है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करते हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं उसी क्वेश्चन का, ठीक है, जो क्वेश्चन हमने वहां पे लिया हुआ है उस क्वेश्चन का आपने डेट कैलकुलेट करके दिखाते हैं आपको। तो हमने डेट कैलकुलेट करना है, तो रूल क्या बोलता है, ठीक है, रूल क्या था हमारा, हमने यहाँ पे क्या करा था, हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया था, ये ए वन वन था, ए वन टू था, ये ए वन थ्री था, ये ए टू वन होता है, ये ए टू टू, ये ए टू थ्री था, ठीक है, ये ए थ्री वन, ए थ्री टू, और ये क्या था हमारे पास, ए थ्री थ्री, और हमने उसका यहाँ पे कोफैक्टर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। इसका हमने क्या किया, ये मैट्रिक्स था, इसका हमने यहाँ पे कोफैक्टर कैलकुलेट कर लिया। अब आपने करना क्या है, कोई भी रो या कोई भी कॉलम लो, और उसी रो और उसी जो भी आप रो ले रहे हो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी उसका कोफैक्टर आया हुआ है, सपोज हम लोग इस रो की बात कर रहे हैं, तो इस रो का कोफैक्टर ये आया हुआ है, तो कुछ नहीं करना, जो भी इसके एलिमेंट हैं उसको आप एलिमेंट को प्रोडक्ट कैलकुलेट कर उसका और सिंपली ऐड कर दो, देन आपका डेट आपको मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो डेट कैसे मिलेगा आपको, तो ए वन वन सी वन को मल्टीप्लाई करो आप, ए वन टू सी वन टू को मल्टीप्लाई करो, और ए वन थ्री, और तीनों को आप ऐड कर दो, मिल जाएगा। या आप, ठीक है, अगर हाँ ये ध्यान देना, अगर आप इसकी आर वन को ले रहे हो तो इसके आप आर वन को ही लोगे, ये ध्यान रखना, अगर आर टू की बात करो तो आर टू ही लोगे, मतलब क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपने लेना, ठीक है, क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बोल सकते हैं, बोलेंगे हम लोग किसका एलिमेंट, कोफैक्टर का एलिमेंट, ये ध्यान देना, यानी हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं शॉर्ट में, क्रोस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को ही लेना होगा, ठीक है। अगर हम लोग ए टू वन लेते हैं और इसका हम लोग ए सी टू वन लेते हैं, ए टू टू की बात करेंगे तो इसका सी टू टू लेंगे, ए टू थ्री तो इसका ये लेंगे, तो इसको इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, और सिंपली आप ऐड कर दो तो आपका डेट निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन लिया हुआ था, ठीक है, हमने जो क्वेश्चन था हमारा क्या था, क्वेश्चन वन टू थ्री था, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, इसका हमने कोफैक्टर जो कैलकुलेट करा था, ठीक है, सी, यानी हम लोग यहाँ पे सिंपल कोफैक्टर लिख रहे हैं, कोफैक्टर हमने देखो अब यहाँ पे हमने कितना कैलकुलेट करा था, ये हमने कैलकुलेट करा था इसका, हम लोग आर वन की बात करें, ठीक है, माइनस थ्री सिक्स और माइनस थ्री, माइनस थ्री सिक्स और माइनस थ्री हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा था, ठीक है। चलो, अब हमने डेट निकालना है, क्या करना हमने, इसका इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी वी हैव टू मल्टीप्लाई वन इंटू माइनस थ्री प्लस टू को सिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, टू इंटू सिक्स हो गया हमारे पास, प्लस थ्री को अब माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, थ्री को किससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस थ्री से, इधर देखो आप, ये हो गया आपके पास माइनस थ्री, ठीक है, ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया ट्वेल्व, और इधर आ गया आपके पास माइनस नाइन, ठीक है। अच्छा, ये देखो आप, क्लियर, यहां तक ये माइनस थ्री और माइनस नाइन को ऐड करोगे देन यू गेट माइनस ट्वेल्व, प्लस ट्वेल्व आए तो आपका रिजल्ट आ गया जीरो, यानी आपका जो डेट आ गया वो आ गया आपका जीरो, ठीक है। आपने जो डेट कैलकुलेट करा उसका जो डेट आया वो डेट कितना आया आपका, जीरो आया। अच्छा, अब आपको चेक करना है कि ये सही है कि गलत है, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की, एक प्रॉपर्टी है कि अगर जो भी एलिमेंट्स हैं आपके अगर वो कॉन्स्टिट्यूटिव ऑर्डर में है तो उसका जो डेट होता है वो जीरो आता है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की कि अगर आपके जो भी एलिमेंट्स है अगर वो कॉन्स्टिट्यूटिव ऑर्डर में है तो उसका जो डेट होगा वो फिक्स है कि जीरो होगा। तो और हमने यहाँ पे डेट कैलकुलेट भी कर लिया कि डेट जो था उसका वो जीरो आया था, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो हमने आर वन के थ्रू देखा, करके दिखाया आपको, ठीक है। हमने जो यहाँ पे करके दिखाया ये अलोंग कैसे था, ये अलोंग आर वन था, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, डेट कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं अलोंग। अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो कोफैक्टर हमने कैलकुलेट करा था उसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये माइनस थ्री सिक्स माइनस थ्री हमने लिख दिया, फिर सिक्स माइनस ट्वेल्व सिक्स, इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं। ये हो गया हमारे पास सिक्स, ये था माइनस ट्वेल्व, ठीक है, ये सिक्स माइनस ट्वेल्व और सिक्स यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। फिर हमने लिखना है माइनस थ्री सिक्स माइनस थ्री, फिर हमने लिखना है यहाँ पे माइनस थ्री, ठीक है, माइनस थ्री हो गया, फिर सिक्स, फिर हमने लेना है माइनस थ्री। ये हमने कोफैक्टर कैलकुलेट करा, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करा, ट्रेडिशनल मेथड है, काफी मतलब लॉन्ग मेथड इसको हम बोल सकते हैं, इसके शॉर्ट ट्रिक्स है, एक बार आप उसको विजिट कर लेना, मैट्रिक्स का प्लेलिस्ट, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। वी हैव टू फाइंड डेट। अब हम आप कैसे भी कैलकुलेट करो, अलोंग रो कैलकुलेट करो, अलोंग कॉलम कैलकुलेट करो, बस आपने ये ध्यान देना कि अगर आपने डेट कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो भी आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को ले रहे हो उसी के कोरस्पॉन्डिंग आपने को फैक्टर लेना है, कोफैक्टर को चूज करना है, उसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके सिंपली ऐड कर देना है, देन आपका जो है डेट मिल जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग करके दिखाते हैं। ये देखो अब ये हमारा C1 है, सॉरी इसका C1 है, मतलब मेन मैट्रिक्स का C1 है, और ये हमारा कोफैक्टर का C1 है। हम इसको करके दिखाते हैं, तो वन इंटू थ्री, वन इंटू माइनस थ्री, प्लस इसकी बात करें फोर इंटू सिक्स, ठीक है, प्लस सेवन इंटू
-3, ठीक है। चलो ये कितना आ गया, आप कैलकुलेट करो, ये आ गया -3, ये आ गया हमारे पास 24, ठीक है। ये कितना आ गया हमारे पास -21। सॉल्व करेंगे यानी -24 +24 इट मीन्स वी हैव जीरो, है ना। यानी डेट जो इसका निकला वो क्या डेट निकला इसका, जीरो, ठीक है। हमने जो इसका डेट कैलकुलेट करा वो डेट कैलकुलेट क्या आया, वो हमारा जीरो आया, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब सिंपल सा है, ठीक है। कैसे अगर अगर आपको को फैक्टर दिया होता है, ठीक है, को फैक्टर दिया हुआ है, तब कैसे डेट कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो जो भी को फैक्टर आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, जो भी आपके पास को फैक्टर अवेलेबल है, और उसको क्या करना है, जो आपका जो मेन मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। लेकिन ये ध्यान देना क्रोस्पॉन्डिंग ही ऐड करना है, क्रोस्पॉन्डिंग ही मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो आपका डेट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने ये जो मेथड हमारा इसको बोलते हैं को फैक्टर मेथड, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ अलग देखते हैं, ठीक है। अब इसकी एक प्रॉपर्टी और है, ठीक है। सपोज हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स अवेलेबल, गिवन मैट्रिक्स, ठीक है, A11 है, A12 है, और ये A13 है, A21 है, ये A22, और ये हो गया हमारे पास A23, ये हो गया A31, ये हो गया A32, और ये हो गया हमारे पास A33। इसका हमने सपोज को फैक्टर कैलकुलेट कर लिया, दैट इज C11, C12, C13, C21, C22, C23 को फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको पता होगा, C31, 32 और C3, ठीक है। तो अभी हमने सीखा कि अगर आपने डेट कैलकुलेट करना तो कैसे करोगे, ठीक है, ये हमने जाना। अच्छा, अगर आप मान लो क्या करते हो, अगर आप इसका R1 लेते हो, ठीक है, हमारा जो मेन क्वेश्चन, जो भी आपका मेन मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका अगर आप क्या लेते हो एलिमेंट जो है R1 चूज करते हो, अगर इसका R1 से ना चूज के अगर आप इसका R2 को चूज करते हो, अगर आप इसका जो है R1, तो इसका आप R1 लेते हो, ठीक है, और इसके R1 की जो एलिमेंट है उसको आप इसके R2 से मल्टीप्लाई करते हो, मतलब क्रोस्पॉन्डिंग नहीं करेगा, देन जो है आपका जो डेट है फिक्स है कि जो डेट है आपका वो जीरो आएगा, ठीक है। देन जो डेट है आपका फिक्स है कि वो जीरो आएगा, ठीक है। अब उस चीज को हमने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी एक बार हम लोग पढ़ते हैं, ये क्या लिखा हुआ है देखते हैं यहाँ पे। द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, ठीक है, ऑफ एनी रो और कॉलम विद क्रोस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ऑफ एनदर रो और कॉलम इज जीरो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या करो कि कोई भी आप मैट्रिक्स का कोई भी आप रो और कोई भी कॉलम ले लो, ठीक है, कोई भी रो या कोई भी कॉलम ले लो, और उसको जो आपका ये वाला जो है इसके क्रोस्पॉन्डिंग तो ये होना चाहिए, है ना। अगर क्रोस्पॉन्डिंग के हिसाब से देखा जाए तो R1 अगर हम लोग बात करें तो R1 का क्रोस्पॉन्डिंग R1 होगा। तो अगर R1 की क्रोस्पॉन्डिंग अगर R1 से करोगे आप, तो जो आपको सिंपल डेट मिलेगा जो भी वैल्यू आ सकती है। लेकिन अगर इसके इसके अलावा अगर आप किसी से करते हो, यानी R2 से करते हो या R3 से करते हो, देन आपका जो डेट है वो फिक्स है कि जीरो आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि ये जो जो प्रॉपर्टी है वो वैलिड है कि नहीं वैलिड है, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमने क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं, इसका R1 चूज कर लेते हैं और इसका हम लोग R2 चूज कर लेते हैं, ठीक है। इसका हम लोग R1 चूज कर लेते हैं और इसका हम लोग क्या करते हैं R2 चूज कर लेते हैं, ठीक है। यानी 1 × 6, चलो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये हो गया 1 × 6, फिर 2 × -12 +2 × -12, ठीक है, +3 × 6, 3 × क्या हो गया हमारे पास 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 6 हो गया, ये हो गया -24, ये हो गया हमारा 18, यानी यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ भी हमको क्या मिल गया, जीरो मिल गया, ठीक है। तो यानी अगर आपको डेट अगर आपको जीरो लाना है, ठीक है, अगर आपको डेट जीरो लाना है तो क्या करना होगा आपको, आपका जो भी एलिमेंट है, जो भी आप एलिमेंट चूज कर रहे हो, ठीक है, सपोज हम इसका ये इसका हम R2 चूज करते हैं, ठीक है, तो R2 अगर इसका हम मेन जो क्वेश्चन आपका है उसका हम R2 चूज करते हैं, अगर हम उसके R2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो फिक्स है कि हमको डेट मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, डेट मिलेगा। अच्छा, डेट कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, ठीक है, जीरो हो सकता है या नॉन जीरो भी हो सकता है। लेकिन अगर आप दूसरे से करते हो, उसके करस्पॉन्डिंग नहीं करते हो, तो किसी दूसरे रो से कर देते हो, या किसी सपोज हम लोग ये C1 को चूज करते हैं और हम C2 से मल्टी इसका इसका C1 चूज करते हैं और इसका इसका C2 चूज करते हैं, देन इसका इसका प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, फिर इसका इसका प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, फिर इसका प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, फिर ऐड करते हैं, तो जो डेट होगा फिक्स है कि वो जीरो आएगा। इसमें कोई नॉन जीरो को चांस नहीं है, फिक्स है कि जो डेट है आपका वो जीरो आएगा, ठीक है। तो ये हमने ये जो मेथड था हमने जो सीखा अभी कोफैक्टर मेथड था। अच्छा, इसमें एक चीज और है, ठीक है, एक चीज और है, वो हम लोग थोड़ा सीख लेते हैं, ठीक है। सपोज हमने क्या करा, कोफैक्टर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, सपोज हमने क्या करा कि कोफैक्टर हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आपने कोफैक्टर कैलकुलेट करा है उसका आपको मॉड निकालना है, यानी उसका आपने डेट निकालना है, ठीक है। जो आपने जो कोफैक्टर कैलकुलेट करा है आपने उसका डेट निकालना है, ठीक है। तब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है,
तो उसके लिए क्या करना होगा हमने, ठीक है, इसके लिए हमने क्या है, एक रूल बताया गया है, एक रूल है जो बोलते हैं पावर को फैक्टर फॉर्मूला, ठीक है, उस रूल को हम लोग बोलते हैं पावर को फैक्टर फॉर्मूला। तो ये जो रूल होता है, इस रूल को हम लोग बोलते हैं पावर को फैक्टर फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, पावर को फैक्टर फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। पावर को फैक्टर फॉर्मूला क्या होता है, तो ये जो है आपको डेट बताता है, ठीक है, एक ऐसा फॉर्मूला जो है जिसके थ्रू हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डेट ऑफ को फैक्टर, जो भी आपके पास को फैक्टर अवेलेबल है उसका जो डेट है उसको निकालने का एक तरह से फॉर्मूला है, शॉर्टकट मेथड हम लोग बोल सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। सपोज हमारे हमने कैलकुलेट करना डेट, लेकिन किसका डेट कैलकुलेट करना, को फैक्टर का डेट कैलकुलेट करना, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पे को फैक्टर कैलकुलेट करा, अब इसका हमने डेट कैलकुलेट करना है, इसका हमने क्या करना है, डेट कैलकुलेट करना है। तो उसका डेट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कुछ नहीं करना, आपने जो मेन क्वेश्चन है आपका, जो मेन क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है, सबसे पहले आप उसका डेट कैलकुलेट कर लो, ठीक है। जो भी मेन क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है उसका आप क्या करो, डेट कैलकुलेट कर लो। यानी यहां पे क्या करना आपने, ये जो डेट है, देखो ये जो डेट किसका डेट है, डेट ऑफ को फैक्टर। यहां जो है हमारा टारगेट ही है कि वी हैव टू फाइंड द डेट ऑफ को फैक्टर, ठीक है। अच्छा, कैसे कैलकुलेट करना हमको सीखना है, तो डेट ऑफ को फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द डेट ऑफ गिवन क्वेश्चन। जो भी आपके पास मैट्रिक्स अवेलेबल है, जो भी आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसका डेट निकालना है, ठीक है। और डेट निकालने के बाद, ठीक है, डेट निकालने के बाद ऑर्डर माइनस वन कर देना है, ठीक है। डेट निकालने के बाद आपने क्या कर देना है, ऑर्डर माइनस वन, यानी डेट टू द पावर ऑर्डर माइनस वन, तब आपका क्या होगा, डेट ऑफ का फैक्टर निकल जाएगा, ठीक है। डेट ऑफ का फैक्टर आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो एक सिंपल सा लॉजिक था, ठीक है। सपोज हमने क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया हुआ था और इसका हमने को फैक्टर ये निकाला हुआ था, सपोज इसका, इस क्वेश्चन का हमने क्या करना है, डेट निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का हमें क्या करना है, डेट निकालना है। तो कैसे डेट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड ये डेल्टा, यानी इसका डेट निकालना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो डेट होगा वो जीरो होगा, ठीक है, दो तरीके से। एक तो हमने प्रूफ करके देखा, को फैक्टर मेथड से हमने इसको प्रूफ करके देखा, और एक प्रॉपर्टी भी है कि अगर कंसेक्यूटिव ऑर्डर में है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अगर कंसेक्यूटिव ऑर्डर में है तो उसका जो डेट होगा फिक्स करके, उसका डेट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो इसका जीरो हो गया। अब इसका ऑर्डर देखो, आप ऑर्डर देखो, तो ऑर्डर इसका थ्री है, तो थ्री माइनस वन कितना हो गया, टू। थ्री माइनस वन कितना होगा, टू, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो किसका डेट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो को फैक्टर का जो है हम लोग डेट यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस, ये जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को हम बोलते हैं पावर को फैक्टर, क्या बोलते हैं, फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, तो अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग आगे की चीजें जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है।